गुड मॉर्निंग ऑल। और ये देखिए, ये फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ खिले हैं। इनके तो सीड्स भी नहीं थे, ये अपने आप ही प्लांट्स ग्रो हुए और अपने आप ही हो गए हैं। कितना प्यारा लग रहा है। और आज मैंने फर्स्ट टाइम देखा है तो आपको भी दिखाना है। ये जो प्लांट है, मतलब जो गमला है, ये किसी टॉफी का डिब्बा था जिसे काट के मैंने सिर्फ सॉइल भरी थी, इसमें किसी और पर्पज़ से भरी थी, वो तो याद नहीं आ रहा, लेकिन ये अपने आप ग्रो हो गया। सच में बहुत प्यारा है। ये भी वैसे ही है ना, प्लांट्स जो अभी दिखाए थे आपको। और ये एक पेंट का डिब्बा है, मतलब जो खाली रहते हैं डिब्बे वगैरह जिसमें प्लांट हो सके वो हम लगा देते हैं। ये 9 o'clock प्लांट है, गार्डन टूर में बताया था ना। और ये 9 बज गए हैं, अभी सुबह 9 ही जस्ट बजे और ये एकदम से खिल गए। देखिए, इसमें एक्चुअली 4 कलर के प्लांट्स लगे हुए हैं। एक तो ये पर्पल है, एक ये पिंकिश, एक येलो और एक ऑरेंज आता है इसमें, मतलब मिक्स एंड मैच करके। और ये देखिए, तुलसी जी तो कहीं भी आ जाती हैं। तो कुछ और लुक एट सदाबहार, ये तो सदाबहार ही है। सीरियसली, इनको केयर की ज़रूरत नहीं होती और इसे भी केयर की कोई ज़रूरत नहीं थी। हर बार सूखता है, हर बार हो जाता है अपने आप। हाय, वेलकम टू द हरिद्वार रॉय ब्लॉगर और गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप? तो मुझे रिसेंटली पता चला, मतलब जो मैंने कल अपना वीडियो अपलोड किया था, सॉरी कल नहीं, 2 दिन पहले, रिलैक्सो वाला जो शू शॉपिंग के लिए गई थी वो वाला वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें एक कमेंट आया है। अभी तक मैंने उनका रिप्लाई नहीं किया कि वो भी हरिद्वार से हैं। और ऐसे ही चलते फिरते मैंने उनको देखा कि हाँ, वो भी ब्लॉग्स करती है मेरी तरह, तो बस मन से थोड़ा कांटेक्ट करूँगी, लेकिन अभी तो फ़िलहाल आपसे करती हूँ। मेरा जो है, मतलब सुबह को बहुत, सबके पास काम होते हैं और मेरे पास भी हैं। आज ये है कि मुझे बाहर कहीं नहीं जाना, एक्चुअली बिल जमा करने जाना था लेकिन मैं गई, मम्मी ने रोक दिया कि मंडे में चले जाना, मंडे या ट्यूसडे में। तो बस अभी लंच की तैयारी है, 10:30 बज रहे हैं, लेकिन हमारा जो लंच है वो 12 बजे तक बन जाता है, क्योंकि देव आता है स्कूल से, फिर उसको नहलाना, उसी में मेरा टाइम निकल जाता है। और मम्मी ने बनाई है रेसिपी, वो नहीं शेयर कर रही हूँ मम्मी वाली। आज हमने ब्रेकफास्ट में बनाए थे कद्दू पूड़ी, लाल वाले कद्दू। एक तो ग्रीन होते हैं, रेड कलर के होते हैं, तो हम लोग रेड वाले खाते हैं, तो वही कद्दू पूड़ी बनाई थी। और अब खा लिया है हमने, बिल्कुल फुल टमी हो गया। और अब हम जा रहे हैं, मतलब मैं जा रही हूँ एक नई चीज़ ट्राई करने, पहले नहीं बनाई है कभी, लेकिन अब ट्राई करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ तो मेरा ट्राई भी हो जाएगा और आप लोगों को एक रेसिपी भी मिल जाएगी। तो चलते हैं, पहले मैं बाल जो है ना, बाल नहीं कह रही, जो अपनी हेयर्स है ना वो टाई कर लूँ और ट्राईपॉड सेट कर लूँ स्लेप पे, फिर दिखाती हूँ रेसिपी। किचन में आ गई हूँ, बैक टू द किचन। और बाल मेरे ऐसे ही बांधे जाते हैं, बाल बीच में फुंगल से निकलते रहते फुंगड़ी से, क्योंकि बहुत शॉर्ट हेयर है ना, सामने से भी तो पूरे अच्छे से नहीं बांधे जाते। और प्रिपरेशन दिखाती हूँ मैं, हमने क्या कर रखा है, मतलब लंच के लिए प्रिपेयर। अभी ये वाले कल से साग काटा था वो बनाऊंगी मैं, इसी का बनाने वाली हूँ एक्चुअली। फर्स्ट टाइम चावल भिगो दिए हैं, आटा मल दिया है। एक जो सब्जी है ना, ये वाली, ये एक्चुअली फिश है, रेहू फिश, और इसका नाम है सोरसे झाल, यही नाम है शायद, कन्फर्म नहीं हूँ मैं, बिकॉज खाने से मतलब होता है, नाम कुछ भी हो रेसिपी टेस्टी होनी चाहिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ आज। इस साग के लिए ये गार्लिक,
गार्लिक और अनियन। गार्लिक ना ये हमारे गार्डन का ही है, किचन गार्डन का, ये काट के रखे हैं। और ये कुछ चार क्लोव्स हैं, इन्हें मैं इसमें मैश कर लूँगी। एक्चुअली मैं एक चीज़ क्लेरिफाई कर दूँ, ये लाल चौलाई है। अब गार्लिक को इसमें अच्छे से मैश कर देंगे, और आप चाहें तो इसमें जिंजर भी डाल सकते हैं, बट मैं जिंजर कम यूज़ करती हूँ क्योंकि जिंजर का जो वो एक हार्डनेस होती है वो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं अपनी रेसिपीज़ में जिंजर बहुत कम यूज़ करती हूँ। और जो गार्लिक है इसमें साग में जो है अच्छे से मैश करना है कि एक एक पत्ते में गार्लिक का फ्लेवर आ जाए। अब मैंने कढ़ाई गर्म होने रख दी है, और कढ़ाई में जो है 2 स्पून रिफाइंड ऑयल है। वैसे तो ये जो साग है मस्टर्ड ऑयल से बनता है, बट मैंने रिफाइंड ऑयल से बनाया है आज। और इसमें मिलाया है मैंने ब्लैक अनियन सीड्स, जिसे कलौंजी भी बोलते हैं, गार्लिक, और गार्लिक को जो है ब्राउन होने देंगे। जलाना मकसद नहीं है कि एक जला हुआ सा फ्लेवर आए, एक पंजी सा फ्लेवर आए, ब्राउन करना है, कलर चेंज करना है। और ये 2 चिलीज़ है, ये मैं दिखा रही थी क्योंकि ये भी हमारे गार्डन से आज पहली बार उतरे हैं। तो आप देख सकते हैं कि गार्लिक का कलर चेंज हो गया है। नाउ ऐड द अनियन, और इसी स्टेज पे अनियन ऐड करना है, इससे ज़्यादा डार्क करेंगे तो अनियन जल जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आप हरी मिर्च अभी ऐड करेंगे तो बेहतर होगा, लेकिन मेरे यहाँ देव के लिए भी बनेगा तो मैं बाद में लास्ट में ऐड करूँगी हरी मिर्च को। बच्चों का सोच के अपने टेस्ट के साथ सेक्रीफाइस करना पड़ता है थोड़ा सा। अब जैसा अनियन मुझे चाहिए था वैसा टेक्सचर आ गया है। ऐड द कोरिएंडर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, और अब मैं थोड़ा सा शुगर ऐड करूँगी, जैसा कि बंगालियों का पैट है इसलिए नहीं। आप ऐड करके देखिए, ग्रीन वेजिटेबल में शुगर या किसी भी सब्जी में एक अलग ही फ्लेवर आएगा। नाउ ऐड द सम सॉल्ट, और अब मैंने साग डाल दिया है। इसे अच्छे से चलाने के बाद मैं प्रॉपर सॉल्ट ऐड कर दूँगी जो साग में चाहिए। और साग में सॉल्ट ऐड करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना होता है ताकि वो ज़्यादा ना हो जाए। अब जितना भी मैस था स्लेब पे वो मैंने साफ़ कर दिया है, इससे किचन थोड़ी साफ। नाउ जो मेरी सब्जी है वो पूरी तरह डन है, और अब मैं देव के लिए अलग से निकाल दूँगी, और अपनी और मम्मी के लिए ग्रीन चिली ऊपर से चॉप करके डाल दूँगी क्योंकि थोड़ा सा फीका ना लगे, थोड़ा सा टेस्ट आ जाए खाने में। अब मैं रोटियां भी बनाने लगी, और आटा मैं काफ़ी देर पहले, आधे घंटे पहले मल के रख देती हूँ। रोटियां बनाने से पहले ना मुझे तवा वॉश करना पड़ता है, मतलब बचपन से आदत है, मम्मी ने मुझे यही सिखाया कि रोटियां बनाने से पहले तवा जो है अच्छे से धो लो, अगर साबुन से नहीं धो पाते तो एटलीस्ट पानी से धो लीजिए। और मेरी रोटियां देखेंगे आप कितनी फूली फूली बनती हैं, सभी की बनती है, ऐसे कोई दिखाने वाली बात नहीं है ये, लेकिन सच में कैमरे में मुझे देखना खुद बहुत अच्छा लग रहा है, रोटियों को फूली फूली सी रोटियां ही देखिए। फूलते फूलते ना रोटियां फट जाती है बीच में, सुने और जगह नहीं मिलती होगी फूलने की। और बस रोटियां बनाने के बाद जो क्लटर हुआ है वो साफ़ करना तो ज़रूरी हो जाता है, तो मैं हाथ के हाथ ही साफ़ कर देती हूँ। बाकी आप रोटियां देखिए कुछ अच्छी बनी होंगी। आ गया है स्कूल से, नहा लिया है आके, और अब ये खा रहा है, टीवी देख देख के खाएगा नहीं। और ये है, पहले मैं दिखा देती हूँ मेरी थाली, राइस, फिश करी नहीं है ये, माचर झाल बोलते हैं हमारे यहाँ। और ये वही साग है जो मैंने बनाया था, खेते क्यों नहीं हुई थे, शी सेट कि ये भालू हुई थे, मतलब अच्छा बना है। और ये मम्मी की थाली है, और ये देव की। एक्चुअली देव को हम रोटी देते हैं लेकिन थोड़ा सा चावल दिया है क्योंकि इसको खांसी रहती है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये साग नहीं है, एक्चुअली मम्मी ने मैश कर लिया था और मैं दूसरा वीडियो एडिट करने में रह गई थी। ये नीम का जो पत्ता होता है, नीम के लीव्स, वो है क्योंकि शी इज़ सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। तो ये खाना है, ज़रूरी है कड़वी चीज खाना, तो ये कंट्रोल करता है डायबिटीज़ को। इसकी नॉटिंग की देखिए आप,
मतलब ये मेरे जो फिश करी है वो बहुत ज़्यादा मिर्च है, क्योंकि इसका नाम ही है माछ चेर झाल, मतलब मछली झाल तो समझते ही हैं और माछ मतलब फिश, तो बहुत झाल होता है इसमें, मिर्च होती है, तब भी से ये खाना है। मुझे मेरी आँखें देख रहे होंगे आप, मतलब नींद आ रही है, पूरी नहीं हो रही ना आजकल नींद, और सुबह वो देव के आने के बाद लंच करने के बाद ना क्या हुआ, थोड़ी मैं अपना वीडियो जो है एडिट करने लगी और एडिट करते करते नींद आ गई मुझे, फिर मम्मी को ऑफिस भी छोड़ आई हूँ, मम्मी ऑफिस गई हैं, मुझे बहुत कुछ करनी है और मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं आज फुल डे ब्लॉग कर रही थी, तो इसमें आधा दिन तो है ही नहीं, क्योंकि एडिट करने के बाद ही मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, और वीडियो मैंने स्टेशन पे जाके अपलोड किया था, हरिद्वार स्टेशन का वाईफाई बहुत मस्त चलता है ना, तो मैंने वहीं जाके किया था, और अभी मैं आई थी कपड़े उतारने, फिर मुझे याद आ गया कि कपड़े उतारते उतारते मैं पहले ब्लॉग कर लेती हूँ। यह हुआ जब मैंने आपसे बात करी थी कपड़े उतारते हुए, तो फ़ोन एकदम से डिस्चार्ज हो गया था, तब मुझे फ़ोन चार्ज पे लगाना पड़ा, उसके बाद मैंने वॉटरिंग कर दी है, मतलब काफ़ी कुछ काम कर दिया है, और मैं बहुत बोर हो रही थी, और देव की पड़ गई है आज से छुट्टी, तो हमने मम्मी भी नहीं है आज, तो मैंने प्लान किया कि चलो चलती हूँ मैं कहीं देव को लेकर पार्क वगैरह में, तो देखती हूँ कहाँ जाती हूँ, लेकिन मैं तैयार तो हो गई हूँ, और पार्क में जाके मैं पूरा शूट नहीं कर पाई, स्टार्ट ही किया था मोबाइल निकाल के, लेकिन ये इसी झूले से एकदम से गिर गया, और फिर देर में घर आ गए, चोट नहीं लगी उसे लेकिन फिर भी सर पे थोड़ी सी लगी है, और अब उसके खाने की तैयारी है, दूध रोटी जो वो रात में खाता है गुड़ डाल के, और दूध में थोड़ा सा हल्दी भी मिक्स है, क्योंकि उसे कफ़ की प्रॉब्लम है, तो मिक्स कर देते हैं हल्दी। प्यारा लग रहा है ना ये सोते हुए, बच्चे सच में बहुत ही प्यारे लगते हैं सोते हुए। एक्चुअली आज बाहर का प्लान, डिनर का प्लान था, तो नहीं हो पाया क्योंकि आंधी तूफान और बारिश हल्की हल्की होने लगी थी, तो घर आना ज़्यादा बेटर लगा, और सच बताऊँ तो आने के बाद बिल्कुल मन किया, रोटियां तो मैंने तभी सेक ली थी सुबह में ही, मम्मी के टिफ़िन के लिए सेकनी पड़ती है ना, और मैं बाहर जा रही हूँ मैं आपको दिखाने आंधी, तो रोटियों का टेंशन नहीं था, लेकिन सब्जी क्या कुक करूँगी, फिर देव को दूध रोटी और मैंने वही सुबह जो फिश बनाई थी वही खाई, और ये स्कूटी कवर मैंने पहनाई है अकेले बिना किसी के हेल्प से, कोई तोप नहीं मारा मैंने, ऐसा ही होता है, और हवा आप देखिए पेड़ हिल रहे हैं, मेरे बाल भी हिल रहे हैं वो देखिए, तो अभी बारिश तो नहीं हो रही है, मतलब बारिश का क्या हो रहा है, बूंद बूंद सी हो रही है और बंद हो जा रही है, तो फिर इसलिए, और मैंने सोचा ये जो मतलब गुड नाइट बोलने का प्लान है कि मैं और पहले कंटिन्यू करूँ, बट यहीं कोई आ गया था, नेवर आ गए थे, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, बातें नहीं कर पाई, और बातें करनी थी आप लोगों से बट नहीं हो पाया, तो फिर अभी बज रहे सारे ना, और देव पता है आज कैसे सोया, देव हमेशा मतलब मम्मी के साथ सोता है या फिर मैं जब जाती हूँ तब सोता है, लेकिन आज मैंने उसे मतलब कोई आता है ना और बीच में बच्चा बोले, भले ये छोटा है बच्चा लेकिन थोड़ा मैनर्स सिखाना चाहिए, और जितना बड़ा होता जाना चाहिए, बदतमीज नहीं कहूँगी लेकिन एक अलग से होती चाहिए बीच में बोलना, कोई गेस्ट आए हैं तो उसी के लिए आए हैं, और कुछ काम की बातें भी नहीं करने देता है, तो मैंने उसे हल्की डांट लगा दी, वैसे ये वीडियो जब मेरी मम्मी देखेंगी ना तो उसके बाद मेरी डांट लगने वाली है, लेकिन बीच में बोलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और इसीलिए, और ऊपर से वो ना ये ट्राईपॉड छू रहा था, जिस दिन से ट्राईपॉड आया है उस दिन से उसका छूना, तो मतलब ये है कि वो छूता ही है, कहीं ना कहीं टच कर रहा था, आज उसने हद कर दी तो मुझे गुस्सा आ गया, और मैं फिर से आज अपनी फेवरेट प्लेस में बिल्कुल
ठंडा ठंडा सा हवा चल रही है, मतलब हवा तो मेरे मुंह पे नहीं लग रही है, उस तरफ फेस करूँगी तभी आएगी हवा। आ गई हवा, अच्छा लगता है हवा में थोड़ी देर इधर उधर, मतलब हवा में रहना वैसे नहीं, और यही टाइम मिलता है मुझे मी टाइम, वरना तो घर के बाहर ना बाकी काम के लिए आते हैं लेकिन अपने काम के लिए नहीं, अपने लिए नहीं आते। तो अभी मैं, चलिए रात हो गई है, रात कितनी भी रात हुई है, और अब मैं जाऊंगी डायरेक्ट सोने के लिए, सोऊंगी नहीं, बीच में यही वाली वीडियो थोड़ी सी एडिट करनी है, क्योंकि दिन में मैं दो दो मिनट्स का टाइम देती रहती हूँ वीडियो एडिट के लिए, तो मतलब पर्टिकुलरली मैं जैसे एक दो घंटे बैठ के वीडियो एडिट करूँ तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे साथ क्या है 24 आवर्स काम लगे रहते हैं छोटे मोटे, क्योंकि जब आप घर में एक ही पर्सन हो ना तो सिंगल हैंडेड आपको सब करना पड़ता है, तो सिर्फ दो दो मिनट का ही ब्रेक मिलता है मुझे, तो मैं उसमें बैठ के एडिट करती हूँ, और वॉइस ओवर भी जो है जिस वीडियोस में मुझे वॉइस ओवर करने पड़ते हैं उसमें भी मैं बैठ के ही कर, मतलब थोड़ा सा वॉइस ओवर किया फिर पॉज कर लिया, और अभी मेरी आवाज़ से ज़्यादा ना ईयर की आवाज़ आ रही है हवा की, अच्छा लगता है। तो मैं आपसे मिलती हूँ अब कल किसी, और आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ कि मैंने उस पार्क का ना आगे से कुछ भी कैप्चर नहीं किया, वहाँ पे एकदम से देव गिर गया, मैंने सोचा था जाते हुए जब घर जाऊँगी तब शूट करूँगी, लेकिन फिर माइंड से उतर गया, किसी और दिन जाऊँगी विद माई मॉम तब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी उस पार्क का, और उसके बारे में नहीं पता मुझे, पार्क तो मारो पार्क ही होते हैं, बाकी बाद में दिखाती हूँ, और चलिए मैं आपसे मिलती हूँ किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, कल शायद मैं वीडियो ना बनाऊँ बिकॉज कल मेरे पास कुछ, कल से देव की लीव पड़ रही है, समर वेकेशंस एक्चुअली 21 से पड़ रही है, लेकिन कल बुद्ध पूर्णिमा है 18 को, और फिर संडे है 19 को, 20 को उसकी पीटीएम है, और 21 से लीव है, तो मतलब समझ लीजिए कल से ही लीव है, तो अगर हो पाया तो मैं कल शूट करूँगी, क्योंकि कल मेरा लेज़र डे जाने वाला, आराम से उठना, नो टिफिन, कुछ भी नहीं करना सुबह सुबह, तो चलिए कल मिलती हूँ, कल कुछ स्पेशल हुआ तो मिलूँगी, अदरवाइज़ रोज़ ये बोरिंग सा रूटीन देखना तो शायद आप लोगों को भी पसंद आए, लेकिन लास्ट में मैं यही कहूँगी क्योंकि देव सो गया है, तो दोबारा से मैं यही कहूँगी, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसे प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ओम साई।